हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रितेश और मेरे चैनल टेक एंड प्रेस का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग टेक अपडेट्स के बारे में। हालांकि टेक अपडेट्स में आपको बताना शुरू करूँ उससे पहले और एक बात, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बोले मेरे चैनल को, साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप वीडियो को एंजॉय कर पाओ। और चलिए अब देखते हैं कि आज क्या टेक अपडेट्स जो है वो निकल के आई है। तो अब जो हम पहले के बारे में बात करने वाले हैं वो हालांकि टैक्स से रिलेटेड नहीं है, बट पर्सनली काफ़ी सारे लोग जो है इंडिया के अंदर और पर्सनली मुझे भी वो जो हीरो था, कैरेक्टर था, वो मुझे बहुत पसंद था एवेंजर्स के अंदर। आपको पता चल गया होगा कि मैं चैडविक बोसमैन की बात कर रहा हूँ। मैं वो जो एक्टर था वो 43 ईयर ओल्ड एक्टर था और जिन्होंने काम किया था ब्लैक पैंथर के अंदर। सो वो जो हीरो है अब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। 2016 के अंदर जो है डायग्नोस किया गया था उनके अंदर कोलोन कैंसर, और ये जो कैंसर है वो ऑलरेडी स्टेज 3 पे था उनके उनके लिए, और तब से जो है वो लड़ रहे थे और स्टेज 4 भी जो है वो आ चुका था। सो कहीं ना कहीं मैं प्राउड फील करता हूँ कि काफ़ी सारी 2016 के बाद उन्होंने काफ़ी मूवीज़ की है, जबकि वो कीमोथेरेपीज़ ले रहे थे और कीमोथेरेपीज़ लेने के बाद जो है वो काफ़ी सारे लोग जो है वो वीक हो जाता है, बॉडी जो है इतना काम नहीं करता, इतना इम्यूनिटी नहीं रहती है, पर फिर भी उन्होंने बहुत काम किया है। सो एक अच्छे ग्रेट ह्यूमन बींग थे और अच्छे फाइटर भी हम कह सकते हैं। सो आज वो है, आज जो है वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो जनरेशन है, जिन लोगों ने ये ब्लैक पैंथर एन्जॉय किया है मूवी, उन्हें सालों तक जो है ये याद रहेगी। उनकी जो एक्टिंग थी, उनका जो परफॉर्मेंस था एवेंजर्स के अंदर, वो ऑलवेज सबके दिलों में जो है वो याद रहेगा। और अब आगे हम बात करने वाले हैं टेक अपडेट्स के बारे में। अब जो हम पहली अपडेट के बारे में बात करने वाले वो है सैमसंग का जो एक और फ्लैगशिप स्मार्टफोन आने वाला है S20 सीरीज का, और वो है S20 फैन एडिशन 5G स्मार्टफोन। तो उसकी जो प्राइस है वो एक डच रिटेलर वेबसाइट के थ्रू जो है वो निकल के आई है। सो अकॉर्डिंग टू डील एंड टेक ये कहा जा रहा है कि ये जो प्राइस है वो कैनेडियन डॉलर्स में है, और वो जो प्राइस लिखी गई है S20 फैन एडिशन 5G डिवाइस की वो है 1148.65 डॉलर। यानी कि अगर हम इसे US डॉलर में कन्वर्ट कर दें तो ऑलमोस्ट जो है 876-877 डॉलर्स के आसपास होती है, और अगर हम इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर दें तो ऑलमोस्ट 64,500 के आसपास इसकी प्राइस होती है। हालांकि इसकी प्राइस जो है और कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर 64,000 में तो फिलहाल अभी नोट 20 भी मिल जाएगा आपको HDFC स्कीम और वो सब लगा के। सो मुझे लगता है कि ये जो प्राइस है वो शायद डिफरेंट होगी जब एक्चुअल में जब S20 फैन एडिशन लॉन्च होगा मार्केट के अंदर। अब जो अपडेट निकल के आ रही है वो है मोटोरोला रेजर 5G स्मार्टफोन जो 2020 में लॉन्च होने वाला है उसके बारे में। तो AT&T का जो है मोटो रेजर 2020 5G स्मार्टफोन का एक डायग्राम निकल के आया है जिसके अंदर सब डिटेल्स जो है वो लिखी हुई है। हालांकि इसमें से काफ़ी सारी डिटेल्स जो है हमें ऑलरेडी पता है कि 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा होने वाला है, साथ ही में सब स्क्रीन होने वाली है ऊपर, साथ ही में 20 मेगापिक्सल का जो सेल्फी कैमरा हमें मिलने वाला है, और फिंगरप्रिंट जो पहले नीचे चिन के ऊपर था अब वो वहाँ से हट के पीछे मोटोरोला का जो सिंबल है वहीं पे जो है हमें फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने वाला है। तो ये जो सारी डिटेल्स है वो ये डायग्राम के अंदर लिखी हुई है। हालांकि इसकी और जो डिटेल्स है वो सारी हमें वैसे पता चली जाएगी थोड़े दिनों के अंदर, क्योंकि सितंबर 9 को जो है ऑलरेडी ये इसका जो इवेंट है वो अनाउंस हो चुका है और ये लॉन्च होने जा रहा है। अब जो अपडेट निकल के आ रही है वो है सैमसंग का जो अफोर्डेबल टैबलेट आने वाला है उसके बारे में है। तो गैलेक्सी टैब A7 जो आने वाला है उसकी बात कर रहा हूँ, जो जिसकी साइज होने वाली है 10.4 इंच 2020 वो जो है इसका मॉडल नेम है, और इसके अंदर भी जो है हमें दो वेरिएंट मिलने वाले हैं जिसके अंदर हमें 32GB और 64GB स्टोरेज ऑप्शन मिलने वाला है, साथ ही में वाईफाई और LTE ये दोनों ही वेरिएंट हमें मिलने वाले हैं। और इसकी जो लॉन्च है वो कहा जा रहा है कि सितंबर मिड के अंदर जो है ये टैबलेट लॉन्च हो जाएगा मार्केट के अंदर। साथ ही में इसकी जो प्राइस है वो निकल के सामने आई है एक डच रिटेलर थ्रू जो है ये सब डिटेल्स निकल के आई है कि इसकी जो 32GB की जो बेस वेरिएंट की प्राइस होगी वाईफाई वाले उसकी प्राइस अराउंड 20,500 के आसपास होने वाली है, और इसी के अंदर 64GB अगर वेरिएंट आप लेने जाओगे तो अराउंड 23,000 के आसपास होने वाली है, और अगर आप LTE वाला वेरिएंट लेते हो 32GB वाला तो उसकी प्राइस जो है अराउंड 25,000 के आसपास होने वाली है, और अगर इसकी जो 64GB वाला वेरिएंट अगर आप चूज़ करते हो तो उसकी प्राइस अराउंड 28,500 के आसपास होने वाली है।
हालांकि ये सितंबर महीने में लॉन्च होने वाला है, सो तभी हमें इसके बारे में एक्चुअल प्राइस और डिटेल जो है वो निकल के सामने आएगी। हालांकि ये अभी एक रूमर कह सकते हो या फिर एक लीक कह सकते हो, ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है। अब जो अपडेट निकल के आ रही है वो है टिकटॉक से रिलेटेड। तो टिकटॉक की जो कंपटीटर एक एप्लीकेशन है वो है ट्रिलर, तो उन्होंने जो है टिकटॉक को 20 बिलियन का ऑफर जो है वो दिया था, बट हालांकि बाइटडांस और जो टिकटॉक है वो दोनों ने ही वो डील रिफ्यूज़ कर दिए, क्योंकि उनका कहना ये है कि शायद ये पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है, ये एक्चुअल डील ना भी हो। सो उसकी वजह से जो है उन्होंने ये डील रिफ्यूज़ कर दिए $20 बिलियन की। अगर आप $20 बिलियन को जो है इंडियन रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करते हो तो 1,46,000 करोड़ से भी जो है इसकी वैल्यू जो है होती है 20 बिलियन की, यानी कि बहुत पैसे होते हैं। बट फिलहाल टिकटॉक ने जो है ये डील एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। अब जो अपडेट निकल के आ रही है वो है एलजी के स्मार्टफोन के बारे में। तो थोड़े दिनों पहले से ही जो है इसका वीडियो लीक होके बाहर आया था, जिसे कहा जा रहा है एलजी का विंग, जो ड्यूअल डिस्प्ले के साथ आने वाला स्मार्टफोन है, जिसका जो मेन स्क्रीन है वो है 6.8 इंच का, ऑक्सिलरी स्क्रीन जो यानी कि दूसरा जो स्क्रीन दिया गया वो छोटा सा वो है 4 इंच का, और कहा जा रहा है कि ये जो स्मार्टफोन है वो रन करने वाला है स्नैपड्रैगन 765G SoC के ऊपर। और अब जो है इसकी प्राइस निकल के आई है, तो कहा जा रहा है रिपोर्ट के अनुसार कि इसकी जो प्राइस है वो अराउंड $1,000 के आसपास जो है वो होने वाली है। अगर $1,000 के आसपास अगर हम ऐसा फ़ोन लेंगे तो इससे अच्छा बेटर है कि हम गैलेक्सी जेड फोल्ड के अंदर पैसे ना डालें, हालांकि ये सबकी चॉइस की बात है। बट फिलहाल रिपोर्ट के अनुसार ये निकल के आई है बात कि $1,000 इसकी प्राइस होने वाली स्टार्टिंग प्राइस। तो देखते हैं कि अब आगे एक्चुअली में ये कब लॉन्च होता है और एग्जिट कौन से स्पेसिफिकेशन के साथ और कौन सी प्राइस पे लॉन्च होता है। अब जो अपडेट निकल के आ रही है वो है गूगल पे के बारे में। तो गूगल पे जो है अब इंडिया के अंदर टेस्टिंग कर रहा है NFC बेस्ड पेमेंट की। इसके अंदर क्या होगा कि आपके पास जो टैप एंड पे वाले जो NFC वाले जो डेबिट या क्रेडिट कार्ड होते हैं वो उसे आप गूगल पे के अंदर ऐड करना होगा, और जैसे ही एक बार वो कार्ड जो है गूगल पे के अंदर ऐड हो गया फिर आप टचलेस पेमेंट जो है वो इसमें एंजॉय कर पाओगे। आपको कार्ड की जगह पे मोबाइल सिर्फ टैप करना है और NFC के थ्रू जो है आपका पेमेंट जो है वो हो जाएगा। हालांकि ये जो सर्विस है फिलहाल के लिए जब ये आएगी मार्केट में तो एक्सिस बैंक और SBI के अंदर जो कार्ड आते हैं NFC वाले उसी के लिए सपोर्ट करने वाली है, और आगे जाके जो है और भी कार्ड्स जो है वो अवेलेबल होने वाले हैं, और भी बैंक्स के जो कार्ड्स हैं वो होने वाले हैं अवेलेबल। तो बहुत जल्द जो है हमें अब ये सर्विस जो है गूगल पे की तरफ से इंडिया में देखने को मिलने वाली है। अब जो अपडेट निकल के आ रही है वो है हुआवे की फिट वॉच स्मार्ट वॉच जो लॉन्च हुई है उसके बारे में, जो रेक्टेंगुलर शेप के अंदर जो है वो लॉन्च हुई है, और ये लॉन्च हुई है फिलहाल UAE के अंदर, जिसके अंदर हमें 4 GB स्टोरेज मिलता है, हार्ट रेट मॉनिटर मिलता है, और साथ ही में इसके अंदर हमें स्लाइड और जेस्चर कंट्रोल भी इसके अंदर हमें मिल जाता है। कंपनी का कहना ये है कि अप टू 10 डेज तक जो इसकी बैटरी लाइफ होती है, यानी कि उतने दिनों तक चलने वाली है इसकी बैटरी लाइफ। और साथ ही में इसकी जो प्राइस रखी गई UAE में वो है 399 दिराम, और अगर आप इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हो तो 7,900 के आसपास इसकी प्राइस होती है। फिलहाल कंपनी की तरफ से इसका ग्लोबल लॉन्च का कोई डिटेल निकल के नहीं आया है, बट उम्मीद करता हूँ कि शायद ये वॉच जो है इंडिया के अंदर भी लॉन्च होगी, क्योंकि देखने में काफ़ी कूल लगती है, डिज़ाइन भी इसका थोड़ा अलग लगता है और अच्छा लग रहा है। देखते हैं कब तक ये इंडिया के अंदर आती है या फिर नहीं आती है, और आती है तो कौन सी प्राइस पे आती है। अब जो अपडेट निकल के आई है वो है जो है फोर्टनाइट गेम है एपिक गेम्स, उनसे रिलेटेड है। एप्पल ने जो है उनका अकाउंट एप स्टोर के अंदर से जो वो रिमूव कर दिया है, और एक स्टेटमेंट जारी किया है एप्पल ने, जिसके अंदर एप्पल का कहना ये है कि हमने काफ़ी टाइम से एक साथ काम किया है और उसके बावजूद अब ये जो सिचुएशन आई है वो उनकी वजह से ही आई है, क्योंकि बार बार मना करने के बाद भी जो है उन्होंने कंटिन्यूसली जो है फोर्टनाइट की जो है अप सेटिंग्स है वो अपडेट दी है, और जो वायलेट करती है उनके टर्म्स और कंडीशंस को। और साथ ही में उनका कहना ये कि शायद हम आगे काम कर पाएंगे फ्यूचर में, पर फिलहाल के लिए हम इस ये जो है आज से हम काम साथ में नहीं कर पाएंगे, और इसकी वजह से जो है काफ़ी सारा जो है झटका लगने वाला है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये एप्पल वर्सेस एपिक गेम्स की जो इश्यू चल रहा है उसकी सिर्फ शुरुआत है। देखते हैं कि ये टॉपिक जो है कहाँ जाके आगे अटकता है और इसका क्या सॉल्यूशन निकलता है।
अब जो अपडेट निकल के आ रही है वो है हुआवे की एक स्मार्ट वॉच है GT 2 Pro, उसके बारे में उसकी कुछ इमेजेस जो है वो लीक होकर सामने आई है। फोटो से हम कुछ फीचर्स का जो अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि ये वाटर रेजिस्टेंट या फिर वाटर प्रूफ होने वाली है स्मार्ट वॉच, साथ ही में इसका जो लुक है वो कम्प्लीटली एलिगेंट है और ज़बरदस्त लग रहा है, स्लीक भी लग रही है ये वॉच देखने में भी। साथ ही में इसके अंदर हमें रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलने वाला है कि आप अपने फ़ोन से भी जो है अपनी ये स्मार्ट वॉच जो है इसे आप चार्ज कर पाओगे। साथ ही में इसके अंदर हम कॉल रिसीव करके आंसर भी कर पाएंगे, वो भी इससे फोटो से जो है पता चल रहा है। तो देखते हैं कि ये वॉच जो है मार्केट में कब तक आती है और कौन सी प्राइस पे जो है हुआ भी ये स्मार्ट वॉच लॉन्च करती है। अब जो अपडेट निकल के आ रही है वो है पोको की तरफ से। तो पोको ने आज एक फोटो अपलोड करके ट्विटर के ऊपर ये टीज किया है कि पोको X3 जो है फास्ट चार्जिंग टेक के साथ आने वाला है, यानी कि जो पोको X3 स्मार्टफोन होगा वो 100% 65 मिनट के अंदर जो है वो फुल चार्ज करने वाला है पूरे स्मार्टफोन को। तो देखते हैं कि कितना वॉट का जो चार्जर है हमें इसके साथ मिलने वाला है X3 के अंदर, तो और कौन सी प्राइस पे पोको ये स्मार्टफोन लॉन्च करती है वो सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि काफ़ी सारे कंपनीज जो है इसी बजट के अंदर जो है ये जो फीचर्स है 64 मेगापिक्सल एंड ऑल उसके साथ काफ़ी सारे फ़ोन जो है ऑलरेडी मार्केट में है और आगे भी लॉन्च होने वाले हैं। तो देखते हैं कि पोको X3 कौन सी प्राइस पे लॉन्च होता है इंडिया के अंदर। अब जो मैं आपको आखिर में बताने वाला हूँ वो है रियलमी 7 स्मार्टफोन के बारे। तो उसका अनबॉक्सिंग जो है एक वियतनाम यूट्यूबर के चैनल के ऊपर हमें देखने को मिला है, जिसके अंदर हमें पता चला कि हेलियो G95 SoC के ऊपर ये स्मार्टफोन रन करने वाले हैं। जो मॉडल उसके अंदर दिखा गया था वो था 8GB RAM + 128GB स्टोरेज के साथ, साथ में 6.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले प्लस 90Hz का रिफ्रेश रेट और सिंगल पंच होल डिस्प्ले के साथ ही स्मार्टफोन आने वाला है। कैमरा सेटअप जो होने वाला है वो है क्वाड कैमरा सेटअप, रियर कैमरा जो होगा 64+12+5+2 का, और सेल्फी कैमरा में मिलने वाला 32 मेगापिक्सल का, और 5000mAh बैटरी प्लस 30W का डार्क चार्ज के साथ ये स्मार्टफोन आने वाला है। तो अब देर है थोड़े ही दिनों की जब हम पता चल जाएगा कि रियलमी 7 और 7 प्रो जो है इंडिया के अंदर कौन सी प्राइस पे लॉन्च होने वाले हैं, एग्जिट क्या स्पेसिफिकेशन होने वाले हैं। और इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 2 सितंबर तक जो है इसकी ब्लाइंड बुकिंग जो है वो चल रही है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है आप रियलमी की वेबसाइट पे जाके इसे ब्लाइंड बुक कर सकते हैं, जिसके सामने अगर रियलमी 7 के अंदर आपको 100 रुपीज़ का कूपन मिलने वाला है और रियलमी 7 प्रो बुक करते हो तो आपको 500 से लेके 1000 तक का रेंडम अमाउंट का कूपन मिलने वाला है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है आप जाइए और बुक कर सकते हो अभी से। तो बस दोस्तों यही थी इसकी सारी अपडेट, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले, और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर पे जाके मुझे फॉलो करिए, मुझे वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हो। मेरे लिए कुछ सजेशन है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर अभी भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को, साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप वीडियो को एंजॉय कर पाओ। थैंक यू।